सद्भक्ताय नमो नमः वांछाद्रव्यस्य कृपाय गतिदानं भागदेवो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो श्रीवैकुण्ठगदाधरश्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्रिला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी को प्रणाम। हरे कृष्ण। ये जो ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उपदेशा अलग अलग समय पर भक्तों ने प्रभुपाद को बहुत कुछ प्रश्न किया है और उनने जो अलग अलग उत्तर दिया ये श्री ग्रंथ है। किसने प्रश्न किया है, क्या गुरु जी के अनुगत्य के बगैर भजन नहीं करने से कृष्ण भजन नहीं होता है, समझ गए कि नहीं? इसका मतलब है गुरुदेव की अनुगत्य के बगैर क्या हम भगवान की भक्ति कर नहीं सकते हैं? क्या भक्ति करने के लिए गुरु जी के अनुगत्य की जरूरत है क्या नहीं? तो प्रभुपाद कहते निश्चय गुरु जी की अनुगत्य के बगैर हम तो भजन कर ही नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति झन्यथा निष्फलो भवति। कहते अगर भगवान और गुरुदेव खड़े हैं, कितना गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दियो। अगर गुरु भगवान अगर खड़े हुए तो पहले हम गुरु जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद में भगवान को प्रणाम करेंगे, नहीं तो तुम्हारी जो भक्ति भक्ति सब नष्ट हो जाएगी, सब तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, भगवान संतुष्ट नहीं होएंगे। इसलिए किसने प्रश्न किया, क्या गुरु जी के कृपा के बगैर अनुगत्य के बगैर भक्ति नहीं हो सकती? प्रभुपाद कहते कभी नहीं हो सकती, बल्कि क्यों नहीं हो सकती? इसका कारण सुन, बल्कि इसका कारण बताए, हमारा एकमात्र कृष्णानुशीलन ही कर गो, हमारा जीवन की करता है जिन रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति किसको कहते हैं, पहले अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपा उत्तम भक्ति उसको कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए जे अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपा उसको उत्तम भक्ति कहते हैं, जो काम करने पर भगवान संतुष्ट होते हैं, हमें केवल वही काम करनी चाहिए। जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं वो काम हमें नहीं करनी चाहिए, हैं? इसलिए कृष्णा नुशीलन ही जो करने से उनको रुचमाना प्रवृत्ति वो प्रसन्न होते हैं, वही जीवन का कर्तव्य मात्र है। यही कृष्णानुशीलन कृष्ण भक्त अनुगत्य व निर्देश ही है। यथा कि अभी प्रश्न होता है, हम जो कृष्ण सेवा करेंगे कैसे, अपनी मनमानी क्या करेंगे, जैसे चाहो वैसे ही कृष्ण भक्ति कर, बोलने भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं हमें पता नहीं है। कहते पता किसको है, बोले वैष्णव को पता है, गुरु जी को पता है भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, हैं? गुरु जी को पता, वैष्णव को पता, बोले उनको क्यों पता, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान कहाँ निवास करते हैं, बोले वैष्णव का हृदय में ही भगवान की निवास है। इसलिए भगवान चाहते हैं क्या इसको कौन जानता है, जैसे आपका घर में कोई व्यक्ति आए आप उसको नमकीन 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 बुला के जा दिया,
लेकिन उसको नमकीन पसंद ही नहीं, उसको पसंद है मीठा है, खाएगा तो है आपको मान रक्षा करने के लिए, लेकिन खुश होकर नहीं खाएगा। लेकिन वो व्यक्ति को जो पसंद है अगर वो चीज़ खिला दिया ना, वो खुश हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया, अंगुल चाट चाट कर खाएगा, बोले क्या तुमने बढ़िया बनाया, आज मन खुश हो गया, दिल हमारी खुश हो गई। उसी तरह भगवान अभी कैसे प्रसन्न है, अब ये चीज़ को तो पता लगाना पड़ेगा। अपना मनमानी तुम किया है जैसे, लेकिन उनको जो चीज़ पसंद नहीं तुम वही वही चीज़ खिलाया, खाएंगे लेकिन वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भगवान प्रसन्न कैसे है इसको कौन जानता है, बोले भक्त लोग जानते हैं, वैष्णव लोग गुरु जी जानते हैं। इसलिए कहते हैं उनके अनुगत्य में होनी चाहिए। अभी प्रश्न है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है, इसलिए कहते हैं अनुकुलेन कृष्ण अनुशीलन, मतलब जो काम करने पर भगवान संतुष्ट होते हैं। अभी प्रश्न है उनका अनुकुल्य देवी कौन है जो कृष्ण सभा में हर समय में तत्पर रहते हैं। कहते श्री भार सभा नवी देवी कृष्णेर अनुकुला, कहते कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सेवा करने वाले कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, ये अनुकुला देवी भार सभा नवी देवी है श्रीमती राधा रानी। राधा रही नामांतर अनुकुला, इसलिए राधा रानी का एक नाम है अनुकुला। कहते ना अनुकुले न, जो काम करने पर उनके अनुकूल हो। अभी कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, जैसे आप कैसे प्रसन्न हो आपको तो पता है ना, आपको कैसे खुश है किसको पता, खुद को खुद बता हम कैसे खुश होंगे हैं, खुद को खुद बता। अभी राधा रानी है कौन, राधा रानी कहते जापी राधा सापी कृष्ण जारे व कृष्ण बस एक ज्योति दिधा विघ्न राधा माधव स्वरूप। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। कहते ना एक आत्मा दो देह, जैसे कि दिया जलती है ना, एक जगह पर तेल हो, इधर एक दिया, लेकिन तेल एक ही है। जैसे एक कमल का ना जड़ है, लेकिन जैसे वहाँ दो फूल जैसे खिले हुए हैं, एक राधा और एक कृष्ण है। इसलिए वो देखने के लिए तो लगता है जैसे दो, लेकिन वो दो नहीं, वो एक ही है। केवल लीला विलास करने के लिए उन्होंने दो हुए हैं। इसलिए कहते कृष्ण की जो अनुकुला देवी कौन, बोले श्रीमती राधा रानी। अनुकुला मतलब क्या, तो उनके अनुकूल होकर के चले। कृष्ण जैसे चाहे, अगर कृष्ण चाहते राधा रानी मान कर लेना, कृष्ण मुंह मोड़ कर बैठ जाती, अगर कृष्ण चाहते मान छोड़ दे फिर कृष्ण राधा रानी सही हो जाती। इसलिए कृष्ण का अगर मन की जो प्रतिबिंब मूर्ति है, कहिए श्रीमती राधा रानी की प्रतिबिंब मूर्ति है। इसलिए राधा रही नामांतर अनुकुला, इसलिए राधा जी का नाम ही अनुकुला देवी है। श्री भार सभा नवी देवी र प्रिय निज जनगण सकल श्री गुरुपाद पद्म। कहते श्री गुरुपाद पद्म कौन है, कहते श्री गुरुपाद पद्म कौन है, बोले श्रीमती भार सभा नवी देवी र प्रिय, राधा रानी के अत्यंत अत्यंत प्रिय जो है उनका जो निज जन कौन, श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए हम गुरुबाष्टक में गाते हैं ना, निकुंज जूना रतिकेली सिद्धई जाजाली बीज तिरपेक्षणिया तत्रादि दास्यादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणार्थ। कहते गुरुदेव कौन है, कहते राधा रानी का जो निकुंज मंदिर में है, राधा रानी की निकुंज सेवा में जो अत्यंत अत्यंत निपुण। ऐ उधर बात बैठ 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 कथा बैठ बैठ बैठ। इसलिए यहाँ पर बताए जो गुरुपाद पद्म है, राधा रानी की निकुंज मंदिर में राधा कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं उनको सेवा के लिए, हमारी जो गुरुदेव अत्यंत अत्यंत ये निपुण है, अत्यंत ये निपुण श्री गुरुपाद पद्म है। इसलिए जब निपुण है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते गुरुपाद पद्म श्री भार सभा नवी देवी का अत्यंत निज जन होने का नाते अभी राधा जी किसको जानते हैं, बोले कृष्ण को हैं। अभी राधा जी के अनुगत्य में जो सेवा करते हैं, कहते वही व्यक्ति ही कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे उनको ही बात
पता है और किसको ये बात पता नहीं है। इसलिए कहते गौड़ीय वैष्णव अमरा अनुकुलार कृष्ण अर्थात श्री राधा कृष्ण उपासक। यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव है, बोले गौड़ीय वैष्णव मतलब क्या होता है? तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय मतलब होता है गौरी श्री राधा रानी, गौरी श्री राधा रानी, विशेष करके हमें श्री राधा जी की उपासक है, इसलिए गौरी से ये गौड़ीय शब्द बना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग महाप्रभु, इसलिए हम उनकी उपासक है, इसलिए हमको गौड़ीय बताया गया। कहते गौड़ीय अमरा अनुकुलार, अनुकुला कौन हो गई? राधा रानी। अनुकुलार कृष्ण, कहते कृष्ण किसके हैं? राधा रानी। राधार कृष्ण बोले सर्व वेद बोले अनुक्य, इसलिए कृष्ण किसके हैं? बोले कृष्ण से राधा रानी के ही कृष्ण हैं, अर्थात राधा कृष्ण उपासक। मतलब जो गौड़ीय वैष्णव किसको उपासना करते हैं? राधा और कृष्ण दोनों को ही उपासना करते हैं। गौड़ीय वैष्णव गण कृष्ण अपेक्षा राधा रही अधिक पक्षपाती। कहते जो हम गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर तुम्हें पूछा जाए भैया कृष्ण तुम्हारे साथ में क्या तुम्हारी संबंध है, हम कहेंगे कृष्ण से तो हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, हमारी जो डायरेक्ट संबंध है श्री राधा रानी को साथ है। अगर राधा कृष्ण दोनों तरफ में खड़े हुए, दोनों हमें बुला रहे हैं, हम किधर जाएंगे? कृष्ण का तरफ में जाए, राधा रानी की तरफ, बोले हम तो राधा जी की तरफ में जाएंगे, राधा रानी की तरफ में जाएंगे। हाँ कृष्ण से हमारा संबंध है, संबंध नहीं ऐसे नहीं संबंध है, लेकिन क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है श्रीमती राधा रानी की, लेकिन राधा जी की अत्यंत अत्यंत प्रिय कृष्ण है राधा जी, इसीलिए कृष्ण के साथ में हमारी संबंध है। लेकिन अगर डायरेक्ट हमारी संबंध है किसको साथ में? श्री राधा जी को साथ। फिर आप बोलोगे फिर कृष्ण को साथ में तुम्हारी इतना क्या संबंध नहीं है, तो बोल फिर राधे 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 करते रहते कृष्ण को तो नहीं करते हो? कहते नहीं, इसका मतलब है राधा जी कृष्ण को संपूर्ण रूप में हम नहीं जानते हैं, ये राधा रानी कृष्ण को पूरा रूप में जानते हैं। जब हम राधा जी की अनुगत करेंगे, जो कृष्ण सेवा ये पूर्ण रूप में परिपूर्ण रूप में, तभी कृष्ण सेवा होगी, तभी कृष्ण की सेवा हम परिपूर्ण रूप में कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा हम कर ही नहीं सकते, ये राधा रानी। जैसे तुम्हारे घर में पति है, अभी पति को क्या प्यारा है तुम तो सबसे ज़्यादा जानती कि नहीं, बाहर के लोगों जानते हैं छोटे पति हम कितना भोजन करता है, कैसे रोटी पसंद, कैसे सब्जी पसंद, कितना नमक पसंद, कितना मीठा पसंद, इस किसको पता है? आज किसको पता है? ये पत्नी को पता है, ये पत्नी को जितना पता है ना, और बाहर व्यक्ति को इतना पता नहीं। जब उनकी पत्नी की अनुगत्य में पति की सेवा करेंगे ना, पूछेंगे पति को क्या कितना क्या प्यारा है, वो बताएंगे पति को ये चीज़ प्यारा है, तब पति को अगर खिला खुश हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम अगर सेवा करेंगे, हो सकता है ऐसे चीज़ खिलाए जो एकदम पसंद नहीं है, खाएगा तो लेकिन उसको खुश होकर नहीं खाएगा। इसका मतलब है कहते राधा जी को ही हम उपासना करते, मतलब है कृष्ण को तो प्रेम करते हैं, लेकिन जब राधा जी के अनुगत्य में करेंगे परिपूर्ण रूप में उनकी सेवा होगा, इसका मतलब ये है। इसलिए कहते हैं श्री गौड़ीय वैष्णव कृष्ण अपेक्षा राधा रही अधिक पक्षपाती। कहते हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं कृष्ण से ज्यादा राधा जी की पक्ष हम लेने वाले हैं। बोले गुरुदेव राधा अभिन्न मूर्ति, कहते गुरुपाद पद्म कौन है? कहते राधा रानी की एक प्रकाश ही श्री गुरुपाद पद्म। अनुकुलार अनुगत्य कृष्ण अनुशीलन है या था के, राधा जी का एक नाम क्या है? अनुकुला, मतलब कृष्ण जैसे चाहते हैं कृष्ण की अनुकूल रूप में चलती है, कृष्ण जैसे चाहते वैसे ही चलती है, इसलिए अनुकुलार मतलब राधा रानी अनुगत्य ही कृष्ण अनुशीलन है या था के, जो कृष्ण सेवा है
और राधा जी के अनुगत्य में ही हो सकती है। इसलिए जेखाने अनुकुलार अनुगत्य अर्थात गुरुर अनुगत्य नाई सेखाने अनुकुला अनुकूल कृष्णानु सिलन बा कृष्ण सुखानुसंधान थाकते पारे ना। कहते जहाँ पर श्री राधा रानी का अनुगत्य नहीं है अर्थात बोले गुरुदेव का अनुगत्य जहाँ पर नहीं है, कहते वहाँ पर जो कृष्णानुशीलन बोले वहाँ पर जो कृष्णानुशीलन कृष्ण सेवा वहाँ है नहीं, अपने आप भगवान की सेवा कर लेंगे गुरु जी के अनुगत्य को छोड़ करके, बोले नहीं वहाँ पर भगवत सेवा हो ही नहीं सकती है। जेखाना आछे केवल ससुक वाचना तांडव नृत्य, इसलिए जहाँ पर गुरु जी की अनुगत्य के बगैर जहाँ पर भगवत सेवा बोले वहाँ क्या है, वो क्या चीज है, बोले वह है अपना तांडव नृत्य, अपना स्वतंत्रता की तांडव नृत्य, समझ रहे हो। तांडव शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं ना, उसको तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य कहते हैं। इसका मतलब है वहाँ दिखाई पड़ता है हम पे सेवा कर रहे हैं लेकिन वो सेवा नहीं, वो केवल अपना सुख का ही वो तांडव नृत्य दिख रहा है सेवा, लेकिन वो सेवा सेवा नहीं कहलाएगा। इसलिए यही रूप भक्ति विरोधी चित्तवृत्ति वा दाम्भिकता परित्याग करिया गुरुवानुगत्य कृष्ण सेवा कर ले ही सब सुविधा हो। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद ऐसे गुरु जी के अनुगत्य को छोड़ कर के ऐसे जो चित्तवृत्ति है जो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दाम्भिकता परित्याग करके ऐसे अहंकार को छोड़ करके गुरु जी की अनुगत्य में जब हम सेवा करेंगे फिर तुम्हारी सब सुविधा होगा। स्वतंत्र रूप में करोगे फिर भैया फिर तो वो तुम्हारी सुख है, वो गुरु वैष्णव भगवान की सुख उसमें नहीं होगा। किंतु दुर्भाग्यवशतः हमारा कृष्णानुसंधानेर कथा भूलिया गया निजर सुखे व्यस्त हो या पढ़ते छी। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य को छोड़ करके अपनी सुख सुविधा अपना मन जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, गुरु वैष्णव का अनुगत्य नहीं करेंगे। हमारी मन ऐसे चाहते हैं हम ऐसे करेंगे, नहीं हमारा मन जो बोलता है उसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। कहते ये भक्ति विरोधी है, हैं ये भक्ति विरोध है ये। इसलिए उसमें हाय कृष्ण के गृहकर्ता ना करिया निजे ही गृहकर्ता साजिया गृह व्रत है ची। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भगवान को ही कहते, उसको गृहस्थ किसको कहते हैं जहाँ पर कृष्ण को सेंटर करके सब काम किया जाए। तो पैसा रोजगार करते कृष्ण के लिए हैं, रसोई बनाते कृष्ण के लिए, घर साफ करते कृष्ण के लिए, जो कुछ करे भगवान के लिए करे फिर तो भगवान की सेवा होगा। लेकिन जब भगवान की सुख को छोड़ करके खाएंगे तो अपना लिए हैं, पैसा कमाएंगे तो अपने के लिए, जो कुछ करेंगे अपना करिए भैया फिर तो गृह और गृह मेधी हो गया। फिर उसी तरह गुरु जी की अनुगत्य को छोड़ करके जब और कुछ करे उसको भक्ति नहीं कहलाएगा, वो भक्ति नहीं है। किंतु हमारा यदि मंगल चाहिए तबे जीवन थाकते ही सावधान है वो। कहते अगर हम अपना मंगल चाहते हैं कभी ये जीवन रहते रहते हमें क्या करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। कहते हैं नतुवा वंचित है तो है वे सुवर्ण सुजग पाइया हराई था है वे। कहते यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम अगर जीवन में मंगल चाहते हैं जीवन रहते रहते क्या करना पड़ेगा, हमें सावधान होकर के हैं गुरु वैष्णव की अनुगत्य में ही भगवान की सेवा करना पड़ेगा। नहीं तो जो सुवर्ण सुजग भगवान हमें दिया ये मानव शरीर दिया है फिर तो ये जन्म हमारी व्यर्थ हो जाएगी, ये जीवन हमारी व्यर्थ हो जाएगी, ऐसे ही जीवन हमारी बीत जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भजन करने के लिए गुरु वैष्णव का अनुगत्य अत्यंत अत्यंत प्रयोजन है, इनकी अनुगत्य के बगैर कभी भी हम भगवान की सेवा कर नहीं सकते।
ठीक है, निताय गौर ब्रह्मा नंदे हरि हरि बोल। पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा हरे 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 कुछ बोल दो राम राम। हरे कृष्णा। आज आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा मतलब होता है आज श्री व्यास देव जी का जन्म तिथि है। कहते श्री वेद व्यास कृष्ण तो युपायन वेद व्यास जी का आज जन्म तिथि। कहते इनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम क्यों पड़ा? बोले ये जिस समय श्री पराशर ऋषि जमुना नदी पार करके आए थे, अभी जब पार होना चाहते थे पहले नदी को पास में केवट लोग रहा करते थे। इतने में पराशर ऋषि आते आते लेट हो गया, तो उन्होंने बोले केवट भैया हमें यमुना पार करा दो। लेकिन दिन भर काम करते करते केवट थक गए थे। तो इतने में उनका एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। तब उन्होंने बोले बेटी एक काम कर, बाबा जी को नदी पार करा। जब वो पार करा रही थी, लेकिन पराशर ऋषि साधारण थे ही नहीं, बड़े तिब्बत ऋषि थे। उन्होंने वो लड़की को देखकर पहचान गए वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, इसलिए उसका नाम थी पहले मत्स्यगंधा, बाद में इसका नाम होगी योजनगंधा। मत्स्यगंधा मतलब है वो माछ की पेट से उसने जन्म। आप बोलोगे माछ की पेट से कभी इंसान होते हैं? माछ की पेट से कभी इंसान होते हैं बताओ? माछ की पेट से कभी इंसान जन्म होगी? किंतु वो मछली किसी ऋषि की अभिशाप से स्वर्ग की अप्सरी ने कोई उल्टा पुल्टा किया, ऋषि ने उसको अभिशाप दिया था, इसलिए उसने ये मछली जन्म ग्रहण किया था, मछली रूप में जन्म लिया था। एक समय एक उपरिचर वसु ऊपर उड़ते हुए जा रहा था, उसको बीज स्खलित होने पर उसने उस बीज को पान कर लिया। तो वो लड़की तो थी अप्सरी, उपरिचर वसु बड़ी सुंदर, इसलिए उसको पेट में ये हुई लड़की। जब उसको पेट को काटे इतने सुंदर लड़की जन्म हुई, इतने सुंदर लड़की है। महाभारत देखे हो जिसको ऊपर में शांतनु उन्होंने आसक्त हो गए देख करके, इतने सुंदर थी है, बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, इसलिए उसको देख कर पहचान गए ये कोई साधारण लड़की नहीं। तब उनको ऊपर दिव्य दृष्टि करते ही बड़ी सुंदर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जन्म हुई। दृष्टि मात्र से एकदम लंबे चौड़े सुंदर थे, इसलिए इनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन, मतलब देखने में काले रंग के थे कृष्ण। द्वैपायन मतलब होता है वो दीप से प्रकट हुए हैं। वेद व्यास मतलब है जिन्होंने वेद को विभाजित किया, पहले एक वेद था उन्होंने चार वेद में प्रकाशित किया, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्मसूत्र, फिर उन्होंने उसको बाद में पुराण आदि बनाए, फिर स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद श्री महाभारत बनाए। इसलिए आल श्री कृष्ण द्वैपायन का वेद व्यास का आज जन्म तिथि है। इसलिए लिखने आज हमारे भारत में क्या करते हैं, सब अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं, विशेष करके बंगाल में नहीं इस तरफ। बंगाल में तो गुरु जी की जन्म तिथि में ही गुरु जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस तरफ में एक प्रथा है। वैसे तो गुरु जी की जन्म तिथि को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन व्यास देव का जन्म तिथि में सबके सब गुरु जी की पूजा करने आते हैं। बोले क्यों आते हैं? बोले कारण है जो व्यास है, व्यास मतलब होता है भगवत कथा को, नाम को, रूप को, गुण को, लीला को जो विस्तार करे उसको कहते हैं व्यास। कहते हमारी गुरु जी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, भगवान का नाम को, रूप को, गुण को, लीला को जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं, इसलिए अपना गुरु को भी व्यास हम कहते हैं। ये भी वही काम कर रहे हैं, उनके अनुगत में वही काम करते हैं। इसलिए हमारे इस तरफ में उत्तर प्रदेश तरफ में इसलिए अपना अपना गुरु जी की पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा को जाते हैं।
और इसलिए गुरुदेव मूल गुरुदेव श्री व्यास देव है भगवान की ये सत्याविश अवतार है। सत्याविश अवतार गुरुदेव भी एक तरह से भगवान की शक्ति की आवेश है, क्योंकि जब तक कृष्ण शक्ति बिना न है धर्म प्रकाश, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होना कहते ये भक्ति का भी जगत में कोई प्रचार नहीं कर सकता है। देखो अपना बेटा तुम्हारी बात सुनता है नहीं सुनता, लेकिन अपना बेटा ही बात नहीं सुनता है, अपना बेटा ही बात हमारी नहीं सुनते, बेटी बात नहीं सुनते, लेकिन वैष्णव का गुरु जी की बात सुनते हैं। कौन सुनते हैं वैष्णव का बात? शिष्य लोग सुनते हैं कि नहीं? अगर गुरु जी बोल दिए गले में कंठी धारण करो तो कंठी पहन लेते हैं, बोले तिलक लगाओ तिलक लगा लेते हैं, हरिनाम करो हरिनाम करते हैं, हैं हरिनाम करते हैं। इसलिए कल ऋषि प्रभु बोल रहे थे ना, बोले हमारे घर में कोई बात नहीं सुनते, देखो यहाँ पर सारा दुनिया हमारी खड़े होकर हमें कथा सुना रहे हो, सब दुनिया सुन रहे, यही तो गुरु जी की हमारी पर कृपा है, ये गुरु जी की कृपा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते कृष्ण शक्ति बिना नहीं धर्म प्रचार, इसलिए जब तक भगवान की शक्ति किसके ऊपर नहीं हो ना कृपा नहीं हो धर्म प्रचार कोई कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए गुरुपाद पद्म भी एक तरह से भगवान का ये सत्यावेश अवतार है, जो जगत में हरि कथाओं को हरि नाम को जगत में प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए आज का दिन हर शिष्य अपना गुरु जी की व्यास देव को पूजा तो करनी चाहिए और अपना गुरु जी को भी पूजा और हमारे गुरु परंपरा को भी पूजा श्री शिष्य लोग आज भी क्या करते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम भी अपना गुरु जी को भी हम लोग आज ही पूजा, ठीक है? निताई गौर प्रमानंदे बोला श्री गुरुदेव जी की जय। विवास पूजा महा महोत्सव की, महोत्सव में भाग लेने वाले अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि कृष्णा जाओ जाओ वहाँ पर सब तैयारी कौन कौन कर रहे हैं।